बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेडीज़ में खास कर ये माना जाता है कि भी जब प्रेगनेंसी टाइम है ना, उसी टाइम में हम अपना डाइट ले प्रॉपर, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मल्टीविटामिन्स हैं, तो बस उसी टाइम लेना है, सिर्फ 9 महीने, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। बट जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आज कैंसर का कारण यही प्रेगनेंसी पैड्स बन रहे हैं, यूट्रस रिमूव हो रहे हैं, लेडीज़ को ल्यूकोरिया प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह मार्केट के सैनिटरी पैड्स। पानी खड़े होके पीते हैं तो वो सीधा हमारी बॉडी में घुटनों तक जाता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि घुटनों में दर्द हो रहा है। जी मैम बिल्कुल, अगर आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो एक्सटर्नल आप जितना मर्जी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक यूज़ कर लीजिए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट रविंदर कौर जी। रविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। रविंदर जी, आजकल हेल्थ की बात की जाए तो महिलाओं में PCOD PCOS की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और साथ ही साथ देखा जाए तो उनका यूट्रस भी रिमूव करने की नौबत आ जाती है, इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो इसके होने की वजह क्या है? मैम सबसे पहले तो हमारा खान पीना है, खाना पीना हमारा प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि डिलीवरी टाइम में जब प्रिकॉशंस ये लेने पड़ते हैं कि उसमें आपका कंप्लीट डाइट न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, जिसमें आयरन फॉलिक एसिड अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो आपको ये डिसीज़ नहीं होता, ये डेफिशिएंसी भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेडीज़ में खास कर ये माना जाता है कि भी जब प्रेगनेंसी टाइम है ना, उसी टाइम में हम अपना डाइट ले प्रॉपर, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मल्टीविटामिन्स हैं, तो बस उसी टाइम लेना है, सिर्फ 9 महीने, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। बट जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सो मेरा ये मानना है कि आप उसे उस टाइम में तो लो ही लो, बाद में भी उसे कंटिन्यू करो। PCOD में सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं कि सैनिटरी पैड्स, जी, जिसकी वजह है यूट्रस रिमूव होना, ल्यूकोरिया पर अनहाइजीनिक होते अनहाइजीन। हैं तो यस बिल्कुल। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसे सैनिटरी पैड्स हैं जिनकी वजह से महिलाओं को ये प्रॉब्लम ना हो? मैम सबसे पहले यूज़ करते थे लोग कपड़ा यूज़ करते थे, जी आजकल वो चीज़ नहीं है, अब हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आज जो मार्केट में सैनिटरी पैड जितने भी आ रहे हैं वो सब प्लास्टिक है, और हम एक कॉटन बेस्ड यूज़ करें, हाइजीन हो, और जिससे मैं कहूँगी कि भी अपनी बॉडी में अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन भी रखें और इसे अच्छे से यूज़ करें। अक्सर डॉक्टर्स कहा करते हैं कि 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका सैनिटरी पैड दूसरा चेंज कर देना चाहिए, चाहे वो खराब हो या नहीं, तो ये कितना सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? जी मैम बिल्कुल सही कहा गया है कि 6 से 8 घंटे के बीच में हमें अपना सैनिटरी पैड चेंज करना चाहिए। उसका रीज़न है कि जब हमारी बॉडी में से रिड्यूस होता है ब्लड, तो अगर हम उसे नहीं चेंज करते तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। आज कैंसर का कारण यही सैनिटरी पैड्स बन रहे हैं, यूट्रस रिमूव हो रहे हैं, लेडीज़ को ल्यूकोरिया प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह मार्केट के सैनिटरी पैड्स। और जिसमें हम अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम नहीं पता कि वही हमें बीमार कर रही हैं। जी, अगर हम बात करें खाने पीने की, तो आप हमें ये बताइए कि क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि PCOD की प्रॉब्लम हो ही ना। मैम अपनी बॉडी में ही कंप्लीट न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे में मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये चीज़ें हमें डेली लेनी चाहिए। अपनी बॉडी में अगर ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा तो ये डिसीज़ होंगी ही नहीं, स्किन प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जिसमें आप अपने सैलेड्स, फ्रूट्स एडिट कर सकते हैं, पानी अच्छी मात्रा में पिए, और कुछ लोग ऐसा उनका मानना है कि पानी बहुत ज़्यादा पिए कि बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई होगी, बट जी ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी अगर सिप सिप करके भी लेते हैं तो आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहती है और उसमें आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। एक्सेस पानी पीने से भी प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर कहा जाता है कि कम से कम 5 से 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी पानी पीना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा पियो, जितनी आपकी बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर सकती है उतना आप पिए। अगर हम एक्सेस पियेंगे तो वो एक्सेस तो नुकसान ही करेगा हमें, कोई वैसे भी ये चीज़। भी कहा जाता है कि जो किडनी पेशेंट हैं अब वो लोग पानी ज़्यादा पिए। जी बिल्कुल कहा जाता है। पानी की मात्रा उतनी रखें जितनी आप इजीली कंज्यूम कर सकें, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना सही है, और उसके साथ आप फ्रूट्स और सैलेड ज़रूर लें, सिर्फ पानी पीने से ही नहीं होगा।
कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आपने खड़े होके पानी नहीं पीना है, आपने बैठ करके पानी पीना है, तो इसके पीछे क्या वजह है? मैम, अगर हम पानी खड़े होके पीते हैं तो वो सीधा हमारी बॉडी में घुटनों तक जाता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, हम नहीं ध्यान देते हैं उस चीज़ में। तो पानी बैठ के ही पीना चाहिए। पुराने बुजुर्ग कहते थे ना कि दूध जो है वो खड़े खड़े होके होके पिए और पानी जो है वो बैठ के पिए, जी तो उनका ये मानना बिल्कुल सही है। तो पानी बैठ के ही पीना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पिए, तो जिससे आपकी बॉडी भी और स्किन भी हाइड्रेट रहती है। जी इसके अलावा अगर हम बात करें स्किन की, तो अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन होता है तो भी क्या पीसीओडी पीसीओ की पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है? जी मैम, बिल्कुल। अगर आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो एक्सटर्नल आप जितना मर्जी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक यूज़ करी जाए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सो मेन है कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों पर इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, और अगर हम इसे प्रॉपर लेते हैं तो बहुत अच्छे से हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। अक्सर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि बाजार में आने वाले डब्बा बंद खाने हैं या फिर हम कहें कि फ्राइड फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सही है? क्या इसकी वजह से भी स्किन प्रॉब्लम पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल मैम, होती है। अगर आपका ऑयली टेक्सचर है, ऑयली स्किन है, हम पानी कम मात्रा में पी रहे हैं और एक्सेस में हम ऑयली खाना खा रहे हैं, मिर्च मसाले खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, पीसीओडी में भी आएगी और आपके स्किन में इश्यूज़ आएंगे। तो आप इसे परहेज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए योगा करें। स्किन के भी बहुत सारे एक्सरसाइज आती हैं फेसिस की, जिससे आप अपनी एजिंग साइंस को कम कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी हेल्दी और गुड लुकिंग दिखेंगे। सिर्फ ये ही नहीं, अगर आप खुश रहेंगे तो आप वैसे भी गुड लुकिंग दिखेंगे जरूर, क्योंकि हर किसी को हंसता हुआ देखना पसंद करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे कि पीसीओडी पीसीओएस की जब प्रॉब्लम एक बार शुरू हो जाती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम जब भी शुरू होती है, तो उस वक्त क्या सावधानियां रखनी जरूरी हो जाती हैं? मैम, स्माइल सबसे अच्छी दवा है, और अगर आपके फेस पे स्माइल है तो किसी भी बीमार इंसान को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। ये बहुत अच्छा हीलिंग प्रोसेस है। सो स्माइल इज़ द बेस्ट। अगर आपके फेस पे स्माइल है ना, तो जितना भी बंदा बीमार होगा ना, वो सामने वाला, तो आपकी स्माइल देख के वो ठीक हो जाएगा। सो डॉक्टर्स का भी यही मानना, अगर एक डॉक्टर भी अगर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है ना, तो अगर वो उसका फेस ही उतरा हुआ होगा तो पेशेंट और बीमार हो जाएगा। सो स्माइल भी अच्छा है, और पीसीओडी में अगर आप उसे एक्सरसाइज करें, थोड़ा प्रिकॉशंस लें, अच्छा हाइजीन रखें अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, तो मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? मैम, सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं, और उसके बाद अपने घुटनों को अपने चेस्ट के साथ लगाएं, और उसे 5 बार या 10 बार जितनी बार आप इजीली कर सकते हैं, फिर उसे कंटिन्यू करें। जी, कितनी देर करनी चाहिए एक्सरसाइज? 5 से 7 मिनट आप स्टार्टिंग रखें टाइम, और उसके बाद टाइम टू टाइम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई एक्सरसाइज है जो करनी चाहिए? मैम, सबसे ज़्यादा मोटापा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ भी होगी तब भी आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आज घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम, रीज़न यही है कि अनहेल्दी फूड है और मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो उसमें भी आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है। सीधे लेट जाएं और उसके बाद अपने लेग्स को टर्न करें लेफ्ट साइड, और अपने फेस को राइट साइड टर्न करें। ऐसे 5 से 7 बार ही करने से, आप डेली अगर इसे करते हैं तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जी, डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद भी, जिसे कि क्वीन एक्सरसाइज कहते हैं, ये उन्हीं की बात कर रही हैं। और इसके अलावा अगर आपने देखा है तो योगासन प्राणायाम, इन सभी में ये एक्सरसाइज बताई गई हैं, तो योगासन प्राणायाम करना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम में क्या ऐसी चीज़ है जिसको अपनाना बहुत ज़रूरी है? आप किस चीज़ पे जोर देना चाहेंगी? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सैनिटरी पैड जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसे आप चेंज करें। अगर उससे आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप काफ़ी इन चीज़ों से बच सकते हैं। आज पीसीओडी की प्रॉब्लम होने का खतरा ही कम हो जाएगा। अपना हेल्थ अच्छी रखें, जिसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड यूज़ करें, और अच्छी डाइट लें, और अच्छा एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। रविंद्र कौर जी, आज आपने हमें बहुत ही ज़रूरी बातें बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जो कि एक आम लड़की को पता नहीं होता है, ख़ास तौर से पैड के बारे में। हम बाज़ार में कोई भी जो भी सैनिटरी नैपकिन मिलता है वो यूज़ कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये कॉटन का है या किसी और चीज़ का बना है।
खास तौर से लेडीज ध्यान दें कि अगली बार से जब भी सैनिटरी पैड यूज करें तब कॉटन के सैनिटरी पैड ही यूज करें। एक बार उस पैकेट के ऊपर पढ़ लें कि वो कॉटन का ही है। रविंद्र कौर जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।